राजधानी में लगातार साइकिल और मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी को लेकर पुलिस भी सजग है और इसी सिलसिले में इंदिरा नगर पुलिस और सर्विलांस टीम ने सुनियोजित ढंग से रेकी कर थाना क्षेत्र इंदिरा नगर व आसपास के थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर DCP का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। ये टोटल थाना क्षेत्र इंदिरा नगर में टोटल दो व्यक्ति हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और जिनके पास से कुल 6 गाड़ियां पुलिस ने बरामद किया है। ये गाड़ियां इन लोगों ने अलग अलग जनपदों से चोरी की थी और अलग अलग तिथियों में इनको चोरी किया था। इस गैंग के ऊपर हम लोग काफ़ी समय से काम कर रहे थे। वाहन चोरी, टू व्हीलर्स ये लोग टारगेट करते थे और जो थोड़ी पुरानी गाड़ियाँ होती थी उसको ये लोग टारगेट करते थे। इसमें जिन दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है उनका नाम है जितेंद्र कुमार, ये केटरिंग का काम करता है और ये जनपद अमेठी का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति इसका नाम है गौरव सिंह और ये भी जनपद अमेठी का रहने वाला है और ये भी केटरिंग का काम करता है। ये दोनों एक शातिर चोर हैं जिनके विरुद्ध अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें से कि इन दोनों के विरुद्ध पहले गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई हो चुकी है कोतवाली जनपद अमेठी में और इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। अभी जो फिलहाल हम लोगों को पता चला है 7 मुकदमे कुल इन लोगों के विरुद्ध अलग अलग थाना क्षेत्रों में लिखे गए हैं जिसमें जनपद अमेठी और जनपद लखनऊ शामिल है। इन दोनों व्यक्तियों के पास से अभी तक फिलहाल हमारे पास 6 गाड़ियां टोटल रिकवर हुई हैं और इनकी भी हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे आगे और रिकवरी के लिए, क्योंकि इनका एक इलैबोरेट, जैसा कि पता चलता है इनका मॉडस ऑपरेंडी ऐसा है कि ये लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पर भी लखनऊ में भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है और जनपद अमेठी में भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है और वहाँ पे घटना अंजाम दे करके फिर ये लोग यहाँ पर कुछ दिन के लिए छुपने आते हैं और यहाँ पर घटना करके ये लोग अमेठी जा करके छुपते हैं। हो सकता है कि और भी घटनाएं इन लोगों ने अंजाम दिया हो और भी इस तरह के वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया हो। इनकी रिकवरी के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे। ये ज़्यादातर ऐसे इलाकों को चिन्हित करते थे जहाँ पर भीड़ भड़ाके वाला इलाकों, जैसे पार्किंग हो गई, हॉस्पिटल्स की पार्किंग हो गई, उन जगहों को ये टारगेट करते थे। पार्क हो गए, पार्क को भी ये लोग टारगेट करते थे जहाँ पर यूजुअली लोग जाते हैं सैर सपाटे के लिए और जहाँ पर रोड खुली हो, चौड़ी हो और जहाँ पर इनको भागने में आसानी हो। ये लोग तत्काल उसका नंबर प्लेट चेंज करके और उसको किसी थर्ड पार्टी को, उसको एक जेन्युइन कस्टमर बन के उसको बेच देते थे। अभी ये भी प्रकाश में आया, इंट्रोगेशन में ये भी प्रकाश में आया कि ये लोग इसको जेन्युइन गाड़ी बता करके इसको ओएलएक्स पर भी बेचते थे। उस किस किस को गाड़ी इन्होंने बेचा है वो अभी हम लोगों को एग्जैक्टली अभी पूरी डिटेल नहीं पता चल पाई, क्योंकि अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन अभी हम लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे चीज़ें प्रकाश में आएंगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसा कि मैंने बताया अभी बहुत इनिशियल फेज में है। अभी ये दो लोग प्रकाश में, जो दो लोग जिनको हमने गिरफ्तार किया है, इन दोनों के बारे में अभी हम लोग और जांच पड़ताल कर रहे हैं। जैसे भी कोई और नाम यदि विवेचना में आएगा तो उससे भी पूछताछ की जाएगी और यदि उसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी काफ़ी अर्ली होगा कोई भी चीज़ इस बारे में कोई टिप्पणी करना, बिकॉज हाँ निश्चित तौर पर ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। अब ये स्वयं बनाते थे या किसी और का इन्वॉल्वमेंट था, इसके बारे में अभी पूरी तरह से छानबीन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।